हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आज मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया है। आज लेट इसलिए हो गया है क्योंकि आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और इसी चक्कर में बहुत देर सोचती रही। और मुझे कुछ खाना नहीं था। कल दाल बनी थी तो दाल नहीं खाना थी, और इसके अलावा आलू रखे थे, आलू का भरता, या आलू की कोई सब्जी नहीं खाना थी। मुझे खाना था कोई अच्छा सा स्पाइसी मसालेदार, और साथ में नॉनवेज भी नहीं खाना था। अगर नॉनवेज में से चूज करती तो फिर मैं चिकन चूज करती। इसके अलावा कुछ मुझे ऐसा नहीं खाना था। तो फिर बहुत देर सोचती रही, समझ में नहीं आया। करीब 12 बजे मैंने डिसाइड किया कि अब मैं बनाऊंगी पनीर कोरमा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 12 बजे सोची मैं, सुबह से मतलब सोचती थी, जल्दी से काट पीट लेती हूँ और 12 बजे तक तो रेडी हो जाता है। तो 12 बजे मैंने डिसाइड किया। असरा भी आई थी, असरा को भी मैंने बताया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं। मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर असरा आई और असरा को मैंने बताया तो वो भी हंसने लगी और वो भी इसके जोक सुनाने लगी। तो गाइस, फिर पनीर कोरमा बनाया। और कल चावल बचे थे तो बोया बोली कि मैं चाइनीज राइस बना देती हूँ, कहीं फ्राइड राइस बनाओ, प्याज टमाटर और मैगी मसाला डाल के बनते हैं। तो फिर मैंने वही बनाया तो वो इतने सारे बन गए थे तो इन्होंने पेट भर के खा लिए। तो पेट भरा था इन लोगों का। उससे फिर गोरे पापा उठे, उन्होंने पूछा क्या। तो मैंने उनको ऐसा ऐसा बताया और मैंने कहा कि एक ऑप्शन है कि आप चाहो तो बिरयानी जाके खाए आओ, क्योंकि मैं बना रही हूँ पनीर कोरमा, उस शाम को खा लेना। राइस पनीर कोरमा बना लिया है और बहुत ज्यादा यमी टेस्टी बना है। मैंने खाना नहीं खाया है, हैदर को दिया लेकिन टेस्ट किया है तो बहुत ज्यादा यमी, बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो मजा आ जाएगा आज खाने में। मुझे नहीं खाना था आज बोरिंग बोरिंग खाना, इस वजह से मैंने पनीर कोरमा बनाया। नहीं तो फिर मैं बनाती तो फिर मैं चिकन मंगाऊंगी, फिर चिकन मंगाने के बाद फिर उसको बहुत देर लगती धोने में। धोने के बाद फिर चिकन का भी कोरमा ही बनाती हूँ। और चिकन मुझे नॉनवेज नहीं खाना था क्योंकि तो नॉनवेज में अब तो कल वैसे ही मंगाऊंगी, जुमरात को मैं मंगाती हूँ। तो इस वजह से मैंने नहीं कहा, कल नहीं, कल, हाँ कल, कल दिन रात है तो कल ही मंगाऊंगी। इस वजह से मेरा मन नहीं था कि मैं नॉनवेज मंगाऊं। और नॉनवेज अभी मैं 1 घंटे पहले आपको दिखाती, कमरा कमरा और किचन इतना बुरा हाल हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से करूँ तो खाने का। इसलिए मैं 2-3 दिन का इकट्ठा मैं प्लान बना लेती हूँ, कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है। रात में मैं सोच नहीं पाई और बस मेरी आज हालत तय हो गई। बस समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या बनाऊं। घर ही मुझको समझ में आया, एकदम मन हो रहा था बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं। फिर लास्ट में सोचा बना लो, शाम तक की फुर्सत हो जाएगी। तो बारिश तो इतना सारा कमरा फैला था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं। लेकिन सब हो गया, यहाँ खाना भी चढ़ा दिया, धीरे धीरे कोरमा बनने के लिए रख दिया। कोरमा भी बहुत ज्यादा झाम से बनता है तो वो सब दुनिया भर का करा, प्याज फ्राई करी, ये करा वो करा। तो उसके बाद फिर यहाँ बर्तन धोने रखा गया बिरयानी खाने के लिए। तो वहां पे जल्दी से कमरा साफ किया। तो बस इधर से उधर करती रही। तो बहुत ज्यादा आज मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, तो अभी तक खाना नहीं खाया। और वैसे मैं आपसे शाम के बाद, शाम मतलब दोपहर में बात करती हूँ फ्री होकर खाना ना खाते, लेकिन आज मैं बिना खाना खाए बात कर रही हूँ आपसे। शाम भी नहीं हो रही है, अभी दोपहर हो रही है। खाना खाऊंगी, खाना खा के लेटूंगी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और गलती हो गया, सुबह मैं उठी थी फजर में, और फजर की नमाज वमाज पढ़ के उसके बाद मैं आराम से सो गई। और फिर मेरी आंख भी लेट खुली। अगर उसी टाइम मैं जगती रहती तो सोच लेती, डिसाइड कर लेती कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, वो मैं नहीं कर पाई। तो कोरमे की खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है, यहाँ तक ओढ़ रही है। बस अब लग रहा है कि पेट में सूरज उठ रहा है, भूख लग रही है खाना खाने के लिए। तो जो है पापा चाय मांग रहे थे तो मैंने सोचा लगे हाथों चाय बना दूं। काम सारा हो गया और गर्मी बादल है लेकिन उमस है, धूप निकली थी इतनी भयानक है कि पहले मैं नहाई उसके बाद फिर मैंने काम किया।
तो गाइज बस जोया के पापा की चाय बन गई है, अब मैं आपसे बाद में बात करूंगी। देखें जोया हैदर बाहर क्या कर रहे हैं, और हैदर ने तो खाना खा लिया है, जोया फ्राइड राइस खा लिए हैं, तो अब जोया देखो कब तक खाती है खाना। गाइज अचानक बनाया मैंने चिकन कोरमा, और आप देख सकते हैं ये कोरमा बन गया है और बहुत अच्छा बना हुआ है। ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है, खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, और यहाँ बन रही है जोया पापा की चाय। तो दोनों काम हो गए हैं, कोरमा तो बन गया है और बस चाय बन रही है। बारिश का इंतजार कर रही है जोया, यहाँ बैठी है, बारिश आ जाए और बारिश के पानी में नहाए इसलिए इंतजार कर रही है। और बस वही है कि जब आप इंतजार करो किसी चीज का तो वो चीज इतनी जल्दी आसानी से वो काम होता नहीं है, तो बस इंतजार कर रही है। अब देखें कब बारिश होती है और कब जोया नहा पाती है। तो अभी तो फिलहाल इनको प्यास लगी है और इनके प्यारे प्यारे भाई इनके लिए पानी लेने गए हैं, और ये बस दुआ कर रही हैं। बादल तो घिर के आ गए, लग रहा है बहुत तेज झमाझम बारिश होगी। तो जोया तो चली गई नहाने के लिए और मुझे लगाई है भूख, तो अब मैं खाना खाऊंगी। जोया अभी खाना नहीं खाएगी, जोया ने नाश्ता किया था और अभी वो रुक के खाएगी, और जोया पापा बिरयानी खाए आए हैं, तो अब मेरी बारी है खाना खाने की। जोया नहाकर आ गई है और हम सब ने खाना खा लिया है, और जोया कह रही हम आराम से खाएंगे, तो अब जोया खाना मांग रही है, उनको भूख लगाई है तो मैंने उनको खाना दे दिया है। लेकिन इससे पहले वो हैदर को कुछ बता रही थी, हैदर मोबाइल में कुछ पूछ रहे थे, तो जोया बताने लगी। मैं यहाँ बैठी टीवी देख रही थी और जोया खाना खा रही है, और जोया को पसंद नहीं है खाना खाते में उनका कोई वीडियो बनाए, तो मैंने कहा आपका खाना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, आप साइड से दिख रहे हो। तो आज सबने खाया पनीर कोरमा, और सबको पनीर कोरमा बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जैसा कि आपको बताया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अचानक बनाया मैंने पनीर कोरमा, और पसंद आना चाहिए हैदर को, जोया के पापा को। जोया तो सब कुछ खा लेती, इतना वो ज्यादा ड्रामा नहीं करती है, बस कुछ चीजें ऐसी जो वो छू भी नहीं सकती है, जैसे वाइट उड़द की दाल वो नहीं खा सकती है। इसके अलावा वो और भी एक दो चीजें हैं, जैसे कि आप पहले खा लेती थी आलू टमाटर की सब्जी, अब वो नहीं खा पाती, अब तो वो मैं भी नहीं खा पाती, पहले मैं भी खा लेती थी। तो भी कुछ चीजों से एकदम मतलब खा खा के बोर हो जाते हैं, बिचक जाते हैं, तो वही है। तो ये जोया पापा ने कुरियर मंगाया से कुछ मंगाया था, तो मैं हैदर से पूछ रही थी कि क्या मंगाया, तो फिर हैदर ने मुझे बताया, तो कुछ ऐसा था जिसे खोलने की आवश्यकता नहीं थी, वो जोया के पापा ही खोलेंगे, तो फिर मैंने वही जहाँ रखा था वहीं रख दिया। जोया ऑफिस में बैठी हुई है और हैदर कहाँ चैन, जोया के बिना उनको बिल्कुल चैन नहीं रहता है। बस अगर मैं जोया को देखाऊंगा मैं एक बार, मैंने कहा ठीक है देख आओ, क्योंकि मेरी भी आदत है बच्चे सेफ रहे सही रहे, तो मैंने कहा ठीक है आप ऐसा करो देखाओ। वो हैदर चले गए हैं देखने के लिए, और जोया पापा के कपड़े प्रेस हुए कल के आए हुए हैं और मैंने अभी तक सेफ पर नहीं रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब सेफ में रख दूँ, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है, अभी मैं फ्री हूँ, तो क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ तो कपड़े करना है, तो उस टाइम मैं कुछ ना कुछ काम कर रही होती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ फिर करूंगी और फिर करके चल जाता है। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री थी, जोया कमरे में है नहीं और हैदर है, हैदर चले गए जोया को देखने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से लगा दूं। तो हैदर जोया को देखकर आए हैं और मैं पूछ रही थी किसको देख रहे हैं, तो मुश्कात निकली थी, तो वो बोले कि मुश्कात अपनी थी, तो मुश्कात पता नहीं क्यों निकली है, और हैदर का उनका आमना सामना हुआ होगा, तो आपने तो देख ही लिया होगा, वीडियो में भी दिख रही थी मुस्कान निकलती हुई। यहाँ पर हैदर मुझसे कुछ कह रहे हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो जोया के बिना उनका मन नहीं लगता है, वो जोया को बार बार परेशान करने के लिए कहते हैं मैं जाऊं जाऊं। एक बार तो परमिशन दे दी थी मैंने, कहा अब रहन दो नहीं तो अभी वो गुस्सा होकर आ जाएगी, और जब गुस्सा करती है तो बहुत बुरा गुस्सा करती है, फिर हैदर की तो बैंड ही बज जाएगी, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया। तो हैदर समझदार हैं, हैदर भी जानते हैं कि जोया उनकी बैंड बजा देंगी,
इस वजह से हैदर ने मेरा कहना मान लिया और फैसला किया कि अब वो नहीं जाएंगे। जोया पापा निकल गए बाहर, खाना आना सबने खाई लिया है, उसके बाद निकल गए हैं बाहर। अब मैं फ्री हो जाऊंगी, जब तक वो आएंगे तो मेरे बर्तन वर्तन धुल चुके होंगे। वो ज्यादातर उसी टाइम आते हैं जब मेरा काम हो चुका होता है, चाय का टाइम रहता है। अच्छी बात यह है कि दोपहर से रोज बारिश हो रही है तो शाम और रात अच्छे से कट जाती है, नहीं तो आप तो सुबह से उठो और सुबह से दोपहर तक बिल्कुल पसीने पसीने हो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, गर्मी गर्मी रहती है। 1-2 घंटे की जो धूप ही निकल रही है तो, लेकिन ये अच्छा है कि रोज दोपहर में बारिश हो रही है तो शाम को और रात को खूब ठंडा रहता है। लेकिन आप फिर कहीं जाने का प्रोग्राम भी नहीं बना सकते हैं, अगर आप कहीं जाना चाहें तो दोपहर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत बारिश होती है और बहुत तेज होती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है, फिर होती है, इस तरीके से होती है। तो ये भी सारे कपड़े हैंगर में एक से लगाना, प्रेस करके आ जाए तो ये भी काम आसान नहीं होता, अच्छी तरीके से प्रेस खराब ना हो और इस वजह से सही से लगाना पड़ते हैं। और फिर जोया के पापा के कपड़े हैं तो फिर उनका तो हर काम बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि वो खुद जो भी काम करते हैं बहुत कायदे का, बहुत सलीके का करते हैं, जिसका हम लोग आधा आधे से का आधे का आधा भी नहीं कर पाते हैं। उनका बहुत ज्यादा सलीके का सारा काम रहता है, तो कोशिश करती हूँ कि करूँ लेकिन उनके जैसा नहीं कर पाती। कोई भी काम करेंगे, चाहे वो कभी किचन में आके सब्जी भी बनाएंगे ना, तो वो हर चीज सलीके से तो स्वाद भी आता है, या फिर कोई भी काम करेंगे, साफ सफाई का भी करेंगे तो वो सफाई दिखती है। हाँ, जोया के पापा ने सफाई करी तो आज दिख रही है, तो उनका काम वैसा रहता है। तो कोशिश रहती है कि उनका कोई भी काम हो सही से हो जाए, नहीं तो फिर मिलेंगे मुझे ताने, और ताना यही मिलेगा, कोई काम नहीं होता है तो उनसे एक ये ताना है। और जब मैं अपने काम गिनाती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ कर रही, तो खुद की हंसी छूट जाती है। तो वो कोई बुराई से नहीं कहते हैं, वो उसे मजाक में कहते हैं, एक काम सही से नहीं होता है। तो ये चीज मुझे सीख देती है, और अगर वो कोई चीज सिखाते हैं, टोकते हैं तो वो अच्छे ही टोकते हैं, और सबसे अच्छी बात है गुस्से में नहीं टोकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो कुछ भी कहते हैं हंसी हंसी में कह देते हैं ताकि मेरे दिमाग में फिट होना हो, और नहीं हो तो फिर तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आज मेरे पापा ने आज की है सफाई, और अंधेरा हो रहा है, मैं लेट हो गई आपको दिखाने में, तो कल मैं आपको दिन में अच्छी तरीके से दिखाऊंगी। तो ये वाला पार्ट बहुत गंदा हो रहा था, यहाँ की एक लकड़ी उठाई और फिर लकड़ी इस तरफ की, फिर वहां की पूरी सफाई की, बहुत की। अब थोड़ा बहुत फैलावा है तो वो मैं समेट लूंगी, मुझसे नहीं तो जोया पापा को करना हो, जोया पापा अभी नहीं, 4 दिन बाद करेंगे, और मैं हूँ तो मैं तो हालचाल सब समेट दूंगी। तो बस यही है कि अगर सामान ऐसा हुआ कि जो मुझे रखना है तो मैं तो हालचाल समेट के रख दूंगी, और जोया पापा का रखने वाला हुआ तो फिर वो रख देंगे। तो देखिए ये सब उन्होंने आज पूरी धुलाई कर दी, तो अब मुझे कल नहीं करना पड़ेगी जैसा कि हम लोग जुमरात को करते हैं। तो अब मुझे नहीं, कल नहीं करना है, कल के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ, नहीं तो हेडेक लगी रहती है कि धुलाई कर दें, अच्छे से धुलाई कर दें। ये दरवाजा खुला था तो फिर मैंने सोचा जब आ ही रही हूँ आपको दिखाने के लिए तो ये दरवाजा ही लगा दूं। तो अभी बज रहा होगा 11:15 करीब, 11:30 बज रहा होगा, मैं कमरे में, क्योंकि हैदर आ गया, और हैदर को हमेशा कहती हूँ दरवाजे के जहाँ दरवाजा लगता है उस पॉइंट पे मत उंगली रखा करो, हैदर वही उंगली कर देते हैं, फिर उनको टोकना पड़ता है तो फिर उनको समझ में आता है। आपने देखा कि लाइट ऑफ हो गई है किचन की, कमरे की, तो अब लाइट ऑफ हो गई है और अब हम लोग का लेटने का टाइम हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जोया के पापा बस जब जहाँ लाइट ऑफ कर देते हैं फिर आपको ऑन नहीं करना है, आप बस इसका मतलब यही है कि सो जाइए। तो बस वही है कि सोना था तो मैंने सोचा सबसे पहले आपसे बात कर लूँ फिर मैं सो। और हैदर बाबू अभी जग रहे हैं, तो हैदर बाबू ऐसे कैसे सो सकते हैं, पहले तो मुझे सुलाएंगे फिर बाद में सोएंगे, ऐसे सोएंगे नहीं। आज आपने ड्रेस स्टाइल ही दिखाया जैसा वो हमेशा दिखाते हो, देखिए आ गया है। एक बार तो ये पता इसी कुर्सी में बैठे ऐसी स्टाइल करे, पानी पी रहा तो मेरी नजर पड़ी, मैं डर गई, अरे एलियन, ये एलियन कहाँ से आ गया मतलब। और नहीं, मैं ये पानी पी रहा था तो फिर मैंने इस टाइम इतनी देर हंसी आई थी, मैंने इसको बताया नहीं,
मैंने कहा कि अगर मैं इसको बताऊंगी तो इसको फंदा लग जाएगा। फिर मैंने बाद में बताया, मैंने कहा हैदर आप ऐसे ऐसे इंसिडेंट यही करे हुए और पानी पी रहा था, और मैं एलियन कहाँ से पानी पी रहा है, तो एलियन लग रहा था। तो बस ऐसे लोग उल्टे सीधे करता है, और नए नए देख चुके हैं, मैं दिखा चुकी हूँ आपको। और पूरी गर्मी इन्होंने दो तीन कपड़ों में गुजार दी। कपड़े तो इनके पास हैं बहुत सारे हैं, फुल हैं, लेकिन फुल इन्होंने नहीं पहने हैं। उन्होंने शॉर्ट पहने हैं, हाफ स्लीव के पहने हैं। रात में भी जो फुल हमेशा पहनते थे तो इन्होंने नहीं पहने हैं। तो अब की गर्मियों में मैं ऐसी हाफ हाफ दिलाऊंगी, क्योंकि अब गर्मी बहुत पड़ने लगी है। अब फुल स्लीव के नहीं दिलाऊंगी इनके, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही, बहुत दिक्कत होती है। शॉर्ट ही पहनते हैं, तो इनको अब शॉर्ट्स ही दिलाऊंगी मैं। जोया को भी शॉर्ट्स दिलाऊंगी। तो गाइज आज जो है पापा ने मेरा काम बहुत ज्यादा हल्का कर दिया, बहुत हल्का काम कर दिया। तो पापा ने पूरे वहां की धुलाई हो गई, मैंने तो आधी से ज्यादा साफ कर दी थी, लेकिन जो एक पार्ट रह गया था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। एक एक लकड़ी उठाना थी, फिर एक रखना थी। तो मैं सोच रही थी जोया पापा के साथ मिलकर करूंगी, लेकिन मैं सो गई और उन्होंने पूरा का पूरा साफ कर दिया। फिर बाकी का रह गया तो मैंने कहा इधर का भी कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ जुमरात को धुलाई होती है। तो मैंने कहा कि अब जुमरात तो मगरिब का टाइम हो रहा, लगी गई है, तो अब आप वहां का भी कर दो, फिर कल मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कल मुझे कोई धुलाई नहीं करना है। जब आपने सब साफ कर दिया, हाँ सामान जो फैला हुआ है आपको दिखाया था वो एक एक करके सही हो, मैं लगा दूंगी एक साथ। थोड़ा उनको लगाना होगा वो लगा देंगे, मुझे लगाना होगा मैं लगा दूंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जोएल पापा ही सेट करेंगे तो वो रख देंगे, कुछ चीजें मैं सेट करूंगी, दोनों सेट करेंगे। तो अभी टीवी देख रहे हैं कमरे में, और हम टीवी देखते देखते मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं, मैं यहाँ पर आ गई बात करने के लिए। मुझे अभी अभी याद आया, मैं मोबाइल चला रही थी तो मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लूं, नींद वैसे भी नहीं आ रही है। तो अभी नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं आराम से, बहुत आराम से दिन में सो रही हूँ, दो तीन दिन से गहरी नींद, और सो रही हूँ तो देखिए डार्क सर्कल मेरे कम हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए थे, क्योंकि सो नहीं पा रही थी। दो दो बजे तक मैं जाग रही थी, इस वजह से मुहर्रम में कहीं कुछ निकल रहा था कहीं कुछ, तो वो बहुत ज्यादा आधे आधी रात तक जाग रही थी, इस वजह से मेरे डार्क सर्कल बहुत हो। क्या हो गया बाबू? तो अब हैदर कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? अभी हम लोग चल रहे हैं तो ये बोल रहा है कमरे में चले, तो मैं समझ गई क्या कह रहा है। तो अभी चल रहे हैं, अब हम लोग का लेटने का टाइम हो गया तो हम लोग लेटेंगे, और मैं तो सो जाऊंगी आधा एक घंटे में। लेकिन हमारे हैदर बाबू हैं जो इतनी जल्दी नहीं सोएंगे, पहले मुझे सुलाएंगे, जोया भी मुझे सुलाएंगी, और फिर उनके पापा का तो कोई भरोसा नहीं कहो सुबह ही सोए। तो भाई वासी तो आने लगी, लेकिन नींद बिल्कुल भी नहीं आंखों में। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय। तो बाय बाय।